हेलो दोस्तों, आपका मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम SF के इन बैटिंग ग्लव्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बताएंगे कैसे इनको पहनने में फीलिंग आती है और कैसे ये ग्लव्स हैं और पूरा इसका रिव्यू दिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है SF स्टैंड फॉर क्रिकेट। तो यहाँ पर इसमें एक स्टिकर लगा है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये फोकस करते हैं, यहाँ पे लिखा है आइटम बैटिंग ग्लव्स SF। मॉडल इसका जो है कैमो AD I 3 RH है राइट हैंड को, और साइज है बॉय। और उसके जो MRP है 1295 रुपीज़ है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। और ये रहे हमारे ग्लव्स, इनको चलिए खोलते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे ग्लव्स हैं। और देखिए इनकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, यहाँ से जो प्रिंट दिया है वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है SF कैमो कंपनी, जो है SF के कैमो के ग्लव्स हैं ये, और लेदर ग्लव्स हैं। और यहाँ पे ये एयर होल्स दिए गए हैं। क्वालिटी तो मेरे को बढ़िया लग रही है, और यहाँ पे भी SF लिखा हुआ है। चलिए ये सेकेंड वाले पे भी यही है सेम क्वालिटी। और चलिए इनको एक बार पहन कर देखने की कैसा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पहन लिया है, और पहनने में फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पर लेदर इसका बहुत सॉफ्ट है, आपको दिखाता हूँ। पहनने में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही, लेदर भी बहुत सॉफ्ट है। और ये जो आप देख सकते हैं बीच बीच में ये जो डिवाइडर्स दिए गए हैं, ये जो बीच बीच में डिवाइडर्स दिए गए हैं ये भी बहुत अच्छी बात होती है। इनके कुछ ग्लव्स होते हैं इनमें पूरा ये डिवाइडर्स नहीं होते हैं बीच में, तो उनसे आपको ग्रिप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। पर इसमें डिवाइडर हैं, तो ये देखिए मैं ग्रिप करता हूँ, मतलब पकड़ता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग में। तो इससे मेरी होल्डिंग बहुत अच्छी बन रही बैट में बनेगी। और इसको मैं एक बार बैट को पकड़ के भी दिखाऊंगा, पर पहले इसको देख लेते हैं और सही से। चलिए इसको उतारते हैं फिर अंदर से इसके देखते हैं। तो जब मैंने इसको पहना था तो इसके अंदर से मुझे टॉवल टाइप की फीलिंग आ रही थी ऊपर से। जी हाँ, इसके अंदर टॉवल टाइप का भी है, दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड जूम करके थोड़ा। एक सेकेंड देख सकते हैं आप, यहाँ पर टॉवल टाइप का है यहाँ पर। और यहाँ पर इसका ग्लव्स है, यहाँ से हमारा पाम रहता है, वहाँ पर लेदर ही है लेदर। एक देख सकते हैं आप, इधर लेदर है और इसके ऊपर जो हम लोग के पाम के ऊपर का रहता है वहाँ पर टॉवल है, टॉवल टाइप का मतलब क्लोथ है। इसको पहनने में तो फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी, अब इसको एक बार बैट के साथ ग्रिप करके भी देखेंगे। और इन ग्लव्स की डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, प्रिंट भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए एक बार इसको बैट को ग्रिप करके देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। मैंने दूसरा अलग पहन लिया है, तो चलिए अब इसको बैट को ग्रिप करके देखते हैं कैसा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैट में ग्रिप बहुत अच्छा बैट हो रहा है, आपको दिखाता हूँ नीचे से भी। ये बैट तो बहुत अच्छा ग्रिप हो रहा है, इससे फिसल भी नहीं रहा, बढ़िया क्लब्स हैं, ग्रिपिंग में तो बढ़िया है। अभी वैसे ये थोड़ा खुले नहीं है, जब ये खुल जाएंगे तो और अच्छा ग्रिप करेंगे, क्योंकि अभी नए हैं, मैंने इसे एक बार भी खेला ही नहीं है। अभी 2 ही दिन हुए हैं मुझे इसको लाए, और जब मैं इससे खेलूँगा इसका एक और रिव्यू बनाऊँगा कि मतलब खुलने के बाद ये कैसे लगते हैं। और 2-3 महीने बाद इसका बनाऊँगा फिर से एक और वीडियो रिव्यू जिसमें कराऊँगा। और आपको कैसे लगे ग्लव्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा,
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब बताइए आपको कैसे लगे ग्लव्स कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, आप मिलते हैं आपसे इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।